कोरोना वैक्सीन के कोल्ड चेन के संबंध में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए जाने वाले कोरोना वैक्सीन को कोल्ड चेन में रखे जाने की तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि हर हाल में जून 2021 तक वैक्सीन के रखने की तैयारियां पूरी कर लें, जिससे भविष्य में कोई दिक्कत ना आने पाए। अगर किसी के कोई इनिशियल क्वेरी हो तो बताइए, नहीं तो हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना ही है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव, जैसे भी सर ने भी बताया कि हम 15 दिसंबर तक अपनी तैयारी पूरी करेंगे। जो इंफॉर्मेशन आज के लिए अपने वैक्सीन के इससे कुछ भी अलग थोड़ा नहीं होने वाला है। ये उसी तरह से वैक्सीन हमारे जैसे यूएनपी की वैक्सीन आती है, वैसे ही उसी प्रकार की वैक्सीन हम इसको रखेंगे। ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही हम आज सारी तारीख और जो इन्फॉर्मेशन आपको उसे जिले से मंगाई गई थी इन्फॉर्मेशन के आधार पर नहीं देगा।